और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है। औरंगाबाद के अंबा में बटाने नदी की तेज धार में 5 लोग बह गए हैं और खबर यह है कि 3 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं 2 लोगों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई थी और सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर पुल पार कर रहे थे, जिसके दौरान ये घटना घटी है। घटना की सूचना मिलते ही अंबा अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार और अंबा थानाध्यक्ष राहुल कुमार समेत कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से लोगों की खोजबीन की गई। 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, वहीं 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस पूरे रेस्क्यू में जो 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया सफल तरीके से, उसमें जिला प्रशासन की ओर से और इसके अलावा स्थानीय गोताखोरों ने भी अहम भूमिका निभाई है। आपके समाज के कुछ लोग नदी में बह गए हैं, हम लोग वहाँ से आए, सबसे पहले घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर जाकर पता चला कि उन लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल आने के बाद देखे हम लोग की एक शिला देवी हैं, वो लगभग 45-50 साल की उम्र के हैं और एक बच्चा 2 साल के हैं और एक संतोष पाल लगभग 30 साल के हैं। हम लोग बेड पर थे, हम लोग जानकारी लिए तो पता चला कि उन लोग दोनों भी दह गए थे। गया के विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन देश भर से तीर्थयात्री अपने पितरों के अर्पण तर्पण और पिंडदान के लिए गया पहुंच चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु गया धाम पहुंच चुके हैं। पितृपक्ष मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। विष्णुपद मंदिर से जुड़े सभी घाटों पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। सिविल वॉलंटियर्स तीर्थयात्रियों की मदद के लिए हमेशा तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम से तीर्थयात्रियों की समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। फल्गु नदी में तीर्थयात्रियों के नहाने और तर्पण के अलग अलग बोर्ड लगे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को काफ़ी सुविधा भी हो रही है। देखिए आज जो है पूर्णिमा का श्राद्ध प्रथम जो है फल्गुनी नदी का, ये श्राद्ध आज से जितने भी पितृभक्त हमारे आए हैं सारे लोगों को आज से ये अधिकार हम लोग दे रहे हैं कि आप आगे का जो भी हमारे 54 वेदी का जो श्राद्ध का महिमा है उन महिमा आज से जैसे चालू हो गई है और सारे लोग श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए कार्य कर रहे हैं और गया पालों के आज विशेष महत्ता है, जिसमें हम लोगों से वो लोग सारे जो पितृभक्त हैं वो आज्ञा लेते हैं कि महाराज जी हम पितृ कार्य करने आए हैं, हमारे पितरों के लिए जो कार्य हम करेंगे उसकी आप अनुमति प्रदान करें। इसलिए आज का दिन बड़ा विशेष है, इनके महात्म बहुत जैसे कि पुराण है, पौराणिक चीज़ है ये, जैसे कि पुराण से भी है शास्त्रों से भी है और इनका महात्म जो है आज का जैसे आज से स्टार्ट हो गया ये, और ये पूरे कार्यक्रम जैसे कि अमावस के दूसरे दिन तक नाना नानी का जब तक श्राद्ध नहीं होगा तब तक ये लोग वापस घर। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां एक डीजे संचालक की ईंट पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिलसा थाना इलाके के इंदौत गांव में बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये हत्या क्यों की गई है इस बात का पुलिस खुलासा करने की कोशिश कर रही है। परिजनों की ओर से ये कहा गया है कि लूटपाट की नीयत से ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है। इस बीच भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है, पितृपक्ष मेले में बाबा बागेश्वर भी गया पधारेंगे। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार तो नहीं लगेगा लेकिन वो भक्तों के लिए भगवत का पाठ करेंगे। 26 सितंबर को बाबा बागेश्वर के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया पहुँचेंगे। बोधगया में वो भक्तों को भागवत कथा सुनाएंगे। उनके गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार ने उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि की है। देखिए जानकारी तो है कि शास्त्री जी बागेश्वर धाम से
पुनः आ रहे हैं इस बार भी 26 तारीख से उनकी प्रोग्राम जो है बोधगया में फिर पुनः स्टार्ट हो रही है। और वो गया जी तीर्थ में आए, स्वागत है उनका, लोगों को लाभ पहुँचाएँ। आप ही के द्वारा यहाँ? जी जी हाँ, उनके द्वारा जो भी लोग आते हैं तो हम लोग ही उनको जैसे कि गया जी का क्या महत्व है वो सब जैसे दर्शन कराते हैं। हाँ, उनका भागवत का प्रोग्राम रहता है, वो तो एक अद्वितीय पुरुष हैं भाई भारतवर्ष के और सनातन को मानने वाले हैं। पिछले बार भी यहाँ? हाँ, पिछले बार भी आए थे। उनके दादाजी का जैसे कि भाई हमारे पास में लेख था जिसका दर्शन उन्होंने किया था और उसी आधार पर उन्होंने फिर से पुनः हमारे बहियों में अपना एक दर्शन छोड़ गए हैं जो हम लोग बराबर